मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम बताने वाले आपको आने वाले सावन सोमवार को लेकर बहुत ही बड़ी बात। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, क्या कहते हैं प्रदीप जी मिश्रा और उनकी क्या कहती है शिव पुराण, दोस्तों जानेंगे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, किसान बचा है वो गरीब हो, वो भी आने वाले समय में ये काम कर लेगा सोमवार को, तो वो भी कर पैसों से खेलने लगेगा दोस्तों, लाखों में नहीं करोड़ों में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटेल लाइफस्टाइल चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि प्रदीप जी मिश्रा की कहानी और अपने ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अगर धनवान बनना है, आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, तो आपको करना पड़ेगा ये काम। दोस्तों, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ के वहाँ पर एक दिया जलाना है शुक्रवार के दिन, और दोस्तों शुक्रवार के सुबह ही आपको पीपल की पूजा भी करना है। दोस्तों, ऐसा करने से लक्ष्मी माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और उस घर में निवास करती है। दोस्तों, आने वाले कुछ समय में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और ताकि आपकी लक्ष्मी की कमी ना हो। दोस्तों, ऐसा प्रदीप जी मिश्रा भी कहते हैं और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये सोमवार काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाला है और दोस्तों सावन सोमवार में आप ये करना न भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते अगली किसी नई वीडियो में।